श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बच्चों क्लास 12 के लिए बहुत ही अच्छा चैप्टर चल रहा है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का एक पार्ट है डिफरेंशिएशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं बच्चों। और ये भी ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से आएगा ना, तभी आपको इंटीग्रेशन भी अच्छे से आएगा, क्योंकि अगर डिफरेंशिएशन आपको अच्छे से नहीं आता तो आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। इसलिए डिफरेंशिएशन को बहुत अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है। उससे ये जो वीडियो होने वाला है बच्चों, ये पार्ट 3 है, इससे पहले हमने पार्ट 2 तक के वीडियो बनाए, बहुत ही बेहतरीन वीडियो है बच्चों। डिफरेंशिएशन का जो बेसिक है वो उसमें हमने बहुत अच्छे से कवर किया है, उसको आप देख लेंगे तो आगे आने वाले जितने सवाल होंगे ना डिफरेंशिएशन के, वो आप बहुत अच्छे समझ पाएंगे बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें ध्यान रखना होगा बच्चों, डिफरेंशिएशन पार्ट 3 एक्सरसाइज 5.2 पढ़ा रहे हैं और ये सभी बेस सीबीएसई एनसीईआरटी है, ध्यान रखिएगा बच्चों, ये बहुत जरूरी है। क्लास 12 की बहुत ही अच्छा चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जो कि उसमें एक पार्ट है डिफरेंशिएशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, उसको हम लोग आज देखेंगे। सबसे पहला सवाल आता है बच्चों एक्सरसाइज 5.2 में साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का। अब हम इसको डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान रखिएगा। मुझे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है ना, तो आपको बस इतना लॉजिक लगाना है, इतना ध्यान देना है कि स्टार्टिंग किससे हो रहा है बस। अगर आप ये जान गए कि स्टार्टिंग किससे हो रहा है, तो बाद वाली जितनी वैल्यू है ना बच्चों, उसको एक्स मान लीजिए, काम खत्म। अब आप देखिए जरा बच्चों, साइन पे क्या स्क्वायर लगा है, नहीं लगा है, तो साइन से ही स्टार्टिंग है, और साइन से स्टार्टिंग है तो बाद वाली पूरी वैल्यू इसका एंगल हो गया, तो साइन एक्स हो गया, इतनी पूरी वैल्यू क्या हो गई, साइन एक्स। अब आपको पता होना चाहिए बच्चों कि हमारा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है एक्स के रिस्पेक्ट में, कॉस एक्स, क्या होता है कॉस एक्स। तो बच्चों बस एज इट इज यहां पे भी आपको इसी तरह से करना है। अगर आप इसको एक्स मान रहे हैं, इसको क्या मान रहे हैं, एक्स मान रहे हैं, तो आप देख सकते हैं तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो गया और यहाँ पे यही वाला एक्स यहाँ आ जाता है, तो हमको भी यहीं पे ऐसे ही करना है बच्चों। तो हम लिखेंगे कॉस और एक्स की जगह क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। बच्चों अभी आपका डिफरेंशिएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, डिफरेंशिएशन कंप्लीट तब होगा जब हम एक्स तक डिफरेंशिएशन कर लेंगे। अब आप देखिए साइन का डिफरेंशिएशन आपने किया, कॉस एक्स हो गया, फिर आपने इस एक्स का भी डिफरेंशिएशन किया, जिसको आप एक्स मानते हैं उसका भी डिफरेंशिएशन करते हैं, तो एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स की पावर एन के फॉर्मूले से होता है बच्चों। किससे होता है, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। तो जब हम एक्स का करेंगे बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए कि एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1, क्योंकि एक्स की पावर तो 1 होता है, और 1 यहां पे लिखेंगे, फिर एक्स की पावर 1 माइनस 1 करेंगे तो एक्स की पावर 0, उसकी वैल्यू तो 1 होती है। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। इसी तरह से यहां पे हम दोबारा डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, इस जो हमने ब्रैकेट बांधा, हमने जो गोला बना रखा है बच्चों, इस एक्स का हम दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे, इसी को हमने एक्स माना है ना बच्चों, तो इसका हम दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है ना, इसलिए हमने डी अपॉन डी एक्स लिख दिया है। अब बच्चों कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 आपका लिखा रहेगा, इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा और 5 कॉन्स्टेंट की वैल्यू का डिफरेंशिएशन 0 होता है बच्चों। किसी भी कॉन्स्टेंट का अगर आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना बच्चों, तो उसको 0 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अगर उसमें x नहीं है तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये डिफरेंशिएशन हो गया है बच्चों। अब इस 2x को बच्चों हम आगे लिख लेंगे, 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, यही आपका क्या है, आंसर है। अगर आप चाहें तो बच्चों ये स्टेप ना करके डायरेक्टली आप ये वाला स्टेप कर सकते हैं, क्यों, साइन का देखिए साइन है स्टार्टिंग से, तो इसको एक्स मानेंगे, साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 5 पर डायरेक्ट कर दीजिए कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है और 5 का 0 होता है, इसके बाद ये स्टेप। तो ये स्टेप कोई जरूरी नहीं होता है, आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो ये सवाल को नोट करिए, फिर नेक्स्ट सवाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। फॉर्मूले में सवाल चलेगा बच्चों, नेक्स्ट सवाल है हमारे पास कॉस साइन एक्स का, किसका है, कॉस साइन एक्स, ये सेकंड नंबर है, डिफरेंशिएशन करना है आपको कॉस और उसका एंगल है साइन एक्स, ये डिफरेंशिएशन आपके सामने आ रहा है बच्चों। तो इसका कैसे करेंगे, ये भी बहुत सरल है, आप देखिए इसको कैसे करते हैं, स्टार्टिंग किससे है, कॉस से, तो बाद वाला एक्स मानिए। अब आपको कॉस का डिफरेंशिएशन आना चाहिए बच्चों, तो मैं यहां लिखते जा रहा हूं, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन एक्स, और फिर इसे एक्स का करेंगे तो 1 हो जाएगा, यहां पे जो एक्स होगा उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, कॉस है स्टार्टिंग से, तो बाद वाले को हम क्या मानेंगे, एक्स, इतनी वैल्यू को हमें एक्स माना, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, माइनस का साइन एक्स थोड़ी लिखेंगे, एक्स की जगह यहां पर क्या है, साइन एक्स है, तो बच्चों यहां पर हम लिखेंगे साइन एक्स। फिर एक्स का जैसे यहां पर डिफरेंशिएशन 1 हो गया, इसी तरह एक्स का यहां पर, एक्स का मतलब
अभी आप जिसको x माने हो ना बच्चों उसका दोबारा डिविजन करेंगे, तो स्टार्टिंग किससे हो रहा है, साइन से, तो साइन का डिविजन क्या हो जाएगा, cos, इतने को x मानेंगे तो cos x हो गया, फिर x का करेंगे तो 1 हो जाएगा, आपको समझ में आ गया ना। देखिए पहले cos का करेंगे तो इसको x मानेंगे, फिर साइन का करेंगे तो इसको x मानेंगे, धीरे धीरे करके हम लोग क्या होगा x तक जाएंगे और डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए cos का डिफरेंशिएशन किया तो माइनस साइन और ये x की जगह ये लगा दिया। अब हमने क्या किया बच्चों, साइन का किया तो बाद वाले x माना तो साइन का हो गया cos x, फिर x का किया तो 1 हो गया, एक ही लाइन में आपका डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, माइनस cos x को बच्चों आगे लिख लीजिए इनटू साइन और ये लिख जाएगा साइन x, यही आपका आंसर है बच्चों, यही आपका क्या है आंसर है। नेक्स्ट सवाल लेते हैं बच्चों, बहुत ही बेहतरीन सवाल है बच्चों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपके पास है साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी, तो यहां पे थर्ड सवाल जो आ रहा है बच्चों वो है साइन ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन करना है। तो बच्चों ध्यान रखिए स्टार्टिंग किससे हो रही है, वही बात हो गई ना, आपको बस यही तो देखना है इसमें कि स्टार्टिंग किससे हो रही है, स्टार्टिंग साइन से हो रहा है तो बाद वाली वैल्यू एक्स हो गया, और अभी हमने साइन का डिफरेंशिएशन बताया ही था, तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स की जगह लिखा है ए एक्स प्लस b, तो बच्चे ax plus b का दोबारा करेंगे तो a देखिए कांस्टेंट आगे रहेगा, x का डिवीजन 1 हो गया और कांस्टेंट का डिवीजन 0 हो गया, तो आप लिखेंगे cos ax plus का b, और यहां बचेगा a, a का 1 में into a, a को 0 में जोड़िए a आएगा, तो a आप आगे लिख दीजिए, दैट्स इट, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल लेते हैं बच्चों, sec tan root x, नेक्स्ट सवाल है sec tan root x, ये है इसका डिफरेंशिएशन करना है बच्चों। अब आप कहेंगे कि यार ये तो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, तो बच्चों बढ़ता जा रहा है लेकिन डिफरेंशिएशन बहुत आसान है, डिफरेंशिएशन बहुत आसान है, क्योंकि आपको देखना क्या होता है, आपको स्टार्टिंग देखनी है, तो स्टार्टिंग किससे हो रहा है sec से, तो बाद वाली वैल्यू x हो गई, फिर उसके बाद tan से, फिर बाद वाली वैल्यू x हो गई, इस तरह से हम जब तक x पर नहीं पहुंच जाएंगे, कंप्लीटली x तक नहीं पहुंच जाएंगे तब तक हम डिफरेंशिएशन करते रहेंगे बच्चों, समझ में आ गया ना। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, sec से स्टार्टिंग है तो आपको हम एक फॉर्मूला लिख दे रहे हैं इधर पे, हमने हम आपको डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बता रहे हैं बच्चों, देखिए जैसे sec x है तो sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x into tan x, और x करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो sec x का डिफरेंशिएशन अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे sec x into tan x, तो आप यहां क्या लिखेंगे बच्चों, यहां पे हो जाएगा sec x की जगह, देखिए इसको x माना आपने, sec x x की जगह क्या लिखेंगे tan रूट एक्स, फिर क्या लिखेंगे tan x, x की जगह क्या है tan रूट एक्स, अब बच्चों का जगह नहीं इसलिए यहां लिख रहे हैं इंटू ही करके लिखना है, ध्यान रखिएगा। देखिए अभी आपने केवल sec x का किया है तो sec x इंटू tan x, x की जगह जो वैल्यू को हमने पुट कर दिया है, अब बच्चों हम अंदर जाएंगे ब्रैकेट के अंदर वाले डिवीजन करेंगे तो इसको ये स्टार्टिंग tan से तो बाद वाले को x मानेंगे तो tan x का डिवीजन क्या हो जाएगा sec स्क्वायर, यहां पे हम लिख दे रहे हैं कि भाई tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो बच्चों sec स्क्वायर x होता है, ठीक है, तो x का करेंगे फिर 1 हो जाएगा, इसी तरह से tan और बाद वाले वैल्यू को आपने x माना है तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा sec स्क्वायर, और x की जगह यहां पे √x है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, तो ये sec स्क्वायर √x हो जाएगा। अब √x को करेंगे यानी x का करेंगे यानी x यहां पे √x है, तो √x का डिफरेंशिएशन देख लीजिए बच्चों, √x का जो डिफरेंशिएशन होता है इसको आप डायरेक्टली याद रखिए 1/2 रूट एक्स होता है, क्या होता है 1/2 रूट एक्स होता है, तो आप यहां पे लिखेंगे 1/2 रूट एक्स, ठीक है, ये आपका डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया, ये डिफरेंशिएशन आपका क्या हो गया कंप्लीट हो गया। हम एक बार आपको फिर से सही तरीके से बता दें ताकि आप अच्छे से इसको समझ जाएं, देखिए स्टार्टिंग किससे है sec से, तो बाद वाला स्टार्टिंग sec से है बाद वाला x माने तो sec x tan x हो जाएगा, फिर हमने अब इससे स्टार्टिंग है tan से तो बाद वाला x हो जाएगा tan x का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर √x, फिर रूट एक्स करेंगे तो 1/2 रूट एक्स 1/2 रूट एक्स, इस तरह से ये सिंपल डिफरेंशियल बच्चों बहुत आसान तरीके से लगा सकता है, ठीक है। तो ये अब आप कहेंगे ये रूट एक्स का डिफरेंशियल आपने कैसे किया, तो बच्चों मैं बता दूं कि किसी भी रूट का जो डिफरेंशिएशन होता है जिसे रूट एक्स करना है तो आप रूट को लिख दीजिए x की पावर 1/2, अब चूंकि ये फॉर्मूला बन गया डी अपॉन डी एक्स ऑफ x की पावर n का, और इसी तरह से ये लगाया जाता है n x की पावर क्या हो जाएगा n माइनस 1, तो ये आगे आ जाएगा 1/2 1/2 से माइनस 1 हो जाएगा, तो आप देख रहे हैं ये माइनस 1/2 हो जाएगा, तो ये जो x की पावर 1/2 है बच्चों इसको नीचे लाइए तो ये वापस देखिए रूट लिख गया, ये वापस क्या हो जाएगा, इस तरह से हम इतना लंबा क्यों लगाएंगे यार,
हम इतना लंबा क्यों लगाएंगे, हमें जब पता है कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स आने वाला है, रूट के अंदर कोई भी नंबर हो, बात को समझिएगा, हम केवल एक्स की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, रूट के अंदर कोई भी नंबर, कोई भी फंक्शन हो, कोई भी वेरिएबल, कुछ भी हो, आप आराम से ध्यान रखिएगा कि 1/2 रूट एक्स तो लिखना ही लिखना है। अगर मान लीजिए रूट टेन एक्स लिखा है तो 1/√10x, 2√10x, अगर रूट सेक एक्स लिखा है तो बच्चों 1/√sec x, लेकिन डिफरेंशिएशन कंप्लीट नहीं हो रहा है। अभी आप समझिएगा, केवल रूट की वैल्यू का डिफरेंशिएशन हम बता रहे हैं कैसे करते हैं। अब देखिए, अगर रूट एक्स है तो 1/√x, एक्स का दोबारा करेंगे तो 1 हो गया, ठीक है। अगर हम यहीं पे देखें कि रूट टेन एक्स होता तो कैसे करते, 1/√10x हो जाता, फिर 10x का करेंगे अंदर जाके, 10x क्योंकि x तक करना होता है तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x, फिर x का करेंगे तो 1, समझ में आ गया ना। इस तरह से जैसे मैंने एक सवाल ले ही लिया आपका, यहां पे लिखा है √10x का डिफरेंशिएशन करना है बच्चों, देखिए कैसे करते हैं, √10x का डिफरेंशिएशन हमने बताया 1/√10x, और 10x का करेंगे तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x। इस तरह से ये सवाल आपको करना होता है।